गाड़ी में कुछ काला है, कोई ना कोई तकलीफ है जिससे ये भाग रहे हैं। इनको कोई ना कोई तकलीफ है कि मणिपुर की सच्चाई सामने लाने नहीं दे रहे। मुझे लगता है विपक्ष के लोगों ने इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, विपक्ष के लोगों ने एक बार पुनः विचार करके तय करना चाहिए। इस सदन में मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं, हम आज की आज चाहते हैं, आज की आज चर्चा शुरू की जाए 176 रूल में, और आज की आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है ये विपक्ष की रणनीति रोज आपको तकलीफ देना, कोई नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा सदन इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। और जिन भी विषयों पर उनको चर्चा करनी है, सरकार पहले दिन से तैयार है। विपक्ष की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो चर्चा से भागना चाहते हैं? आखिरकार केवल सड़क पे ही आवाज उठानी थी तो सदन में जो चुने गए हैं, जो संसद के लिए चुने गए, उसका काम क्या है? साल भर में जितने पार्लियामेंट के सत्र चलते हैं, विपक्ष कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि सदन में ना आए, चर्चा का भाग ना बने, और वो केवल भागने का काम करते हैं, चर्चा में भाग नहीं लेते। वो चर्चा में रहने का काम करते हैं, चर्चा में भाग लेके अपनी बात नहीं रखते। ये साफ दिखता है कि चुनावी वर्ष में केवल और केवल राजनीति करने का काम कर रहे हैं। सदन में हम चर्चा करने के लिए जब तैयार है, जब सदन चल रहा है, तो बाहर जाके ऐसे स्टेटमेंट तो देख के आए ना, जो बोलना है सदन में बोलने दो, जो उसको उस विषय पर जो उत्तर देना है, रिप्लाई देना है, चर्चा करना है, वो सब के लिए सरकार तैयार है। ये बार बार हम उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं। तो अगर इसमें ये संवेदनशील मामला है, इसमें पॉलिटिक्स करना बंद करना चाहिए।